इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को समझना काफी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर कब कौन सी दो कौड़ी की बकवास गाड़ी हाईएस्ट सेलिंग कार में आ जाए या फिर कब कौन सी शानदार अच्छी गाड़ी लीस्ट सेलिंग कार में आ जाए, ये कहना काफी मुश्किल है। इसके अलावा ऐसा पहली बार हुआ है कि लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में मारुति की किसी गाड़ी का नाम आया है। और तो और, इन गाड़ियों के सेल्स फिगर को देखकर ऐसा लगता है कि अगर ऐसा ही चला तो हो सकता है कि फोर्ड वालों को भारत छोड़ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं अप्रैल के महीने में पूरे भारत के अंदर सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियों के बारे में। 20th पोजीशन पर आई है फोर्ड की फ्री स्टाइल। इस गाड़ी की सिर्फ 635 यूनिट बिक पाई है अप्रैल के महीने में पूरे भारत के अंदर। फ्री स्टाइल देखने में एक हैचबैक जैसी लगती है, लेकिन असल में ये एक क्रॉसओवर है और ये किसी भी एसयूवी से कम नहीं है। बेहतरीन डीजल इंजन मिलता है, और रही बात राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी की, तो वो भी इस गाड़ी की काफी जबरदस्त है। लेकिन अगर सेल्स की बात करें तो ये 20th लीस्ट सेलिंग कार है इंडिया की। इसके बाद 19th पोजीशन पर आई है मारुति की सेलेरियो। ये बिल्कुल आपने कुछ गलत नाम नहीं सुना है, और ना ही मैं आपको कोई गलत जानकारी दे रहा हूं। इस गाड़ी की अप्रैल के महीने में मात्र 367 यूनिट बिक पाई है। ऐसा नहीं है कि अचानक से लोगों ने इस गाड़ी को खरीदना बंद कर दिया है या फिर इस गाड़ी को डिस्कंटिन्यू कर दिया गया है, असल में बात कुछ और है। कोरोना पैंडेमिक की वजह से हर कोई कंपनी उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है जितना कि आमतौर पर वो कर लेती है। यही वजह है कि मारुति की कुछ गाड़ियों के कुछ वेरिएंट्स अवेलेबल नहीं है, जैसे कि ऑल्टो का VXI प्लस अवेलेबल नहीं है, वैगनार का ZXI 1.2 अवेलेबल नहीं है, और सेलेरियो का तो एक भी सिंगल यूनिट अवेलेबल नहीं है। इसलिए डीलर्स के पास पहले से ही स्टॉक में जितनी सेलेरियो थी वही बिक पाई है, और उन्हीं की सेल्स है ये 367 यूनिट्स। जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन इस साल लॉन्च होने वाली है, लेकिन ये कोरोना पेंडेमिक की वजह से हो सकता है कि उसे थोड़ा डिले कर दिया जाए। 18th पोजीशन पर आई है डेटसन की रेडिगो, जिसकी 346 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। वैसे तो रेडिगो अपनी सेगमेंट में ठीक ठाक पैकेज प्रोवाइड करती है, लेकिन पुअर मटेरियल क्वालिटी और पुअर आफ्टर सेल सर्विसेज के चलते ये गाड़ी बिक नहीं पाती कभी भी। इसके बाद 17th पोजीशन पर आई है मॉरिस गैराजेस की ग्लॉस्टर, जिसकी 302 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ग्लॉस्टर एक बेहतरीन गाड़ी है, अपनी सेगमेंट में सबसे अच्छा वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती है, फुली लोडेड फीचर्स, पावरफुल इंजन, स्पेशियस केबिन और ट्रू 7-सीटर के साथ में। अगर मैं इस गाड़ी को सेगमेंट किंग फॉर्च्यूनर से कंपेयर करूं तो ये कई सारे मामलों में, इनफैक्ट ज्यादातर मामलों में उससे बेहतर है। शुरुआत में इसकी सेल्स भी काफी अच्छी हो रही थी, लगा था कि फॉर्च्यूनर ना सही लेकिन एंडेवर को तो ये पीछे छोड़ी देगी, लेकिन असल में कुछ उल्टा हो गया। 16th पोजीशन पर भी कुछ ऐसी ही मिलती जुलती कहानी वाली एक और गाड़ी आई है, किया की कार्निवल। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो इसने तहलका मचा दिया था, मानो कि जैसे चिड़ियाघर में एक नया शेर आया हो, जैसे सारे बच्चे इकट्ठे होकर, मतलब कि कस्टमर्स इकट्ठे होकर देखने जा रहे थे। लोग बाग लंबी लंबी टेस्ट ड्राइव ले रहे थे, जो लोग इसको खरीद रहे थे वो अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फेसबुक प्रोफाइल पर चौड़े में डाल रहे थे कि ये देखो हमने कितना बड़ा धमाका खरीदा है। लेकिन जैसे जैसे समय कटता गया, किया का भी कटता गया और इसकी सेल्स कम होते चले गई। अप्रैल के महीने में इस गाड़ी की सिर्फ 301 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। इसके बाद 15th पोजीशन पर आ जाती है टोयोटा की यारिस, जिसकी अप्रैल के महीने में 285 यूनिट्स बिकी हैं। वैसे तो ग्लोबल मार्केट में यारिस का सेडान के साथ साथ हैचबैक वर्जन भी अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में ये सिर्फ सेडान में अवेलेबल है। यारिस अपनी सेगमेंट की पहली ऐसी गाड़ी है जो फ्रंट पैसेंजर और को पैसेंजर एयरबैग के साथ में ड्राइवर के लिए नी एयरबैग भी प्रोवाइड करती है, वो भी स्टैंडर्ड। इसके अलावा इस गाड़ी में मैक्सिमम 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, ये पहली गाड़ी थी जिसकी रूफ में एसी वेंट्स दिए हुए थे। लेकिन इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस कुछ खास ना होने की वजह से इसकी उतनी सेल्स नहीं हो पाई जितनी आमतौर पर टोयोटा की किसी गाड़ी की होनी चाहिए थी। अप्रैल के महीने में इसकी मुश्किल से 285 यूनिट्स बिक पाई हैं। 14th पोजीशन पर आई है रेनो की डस्टर, जिसकी मुश्किल से 180 यूनिट्स बिक पाई हैं। एक समय पर डस्टर काफी डिमांड में थी, लेकिन धीरे धीरे ये अपडेटेड होती चली गई। काफी लंबे समय से रेनो ने इसमें कोई बड़ा चेंज भी नहीं किया है, जिसकी वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पा रही है। अब इस गाड़ी को जरूरत है जल्दी ही एक अच्छी सी नेक्स्ट जनरेशन की। 13th पोजीशन पर आई है फोर्ड की एस्पायर, जिसकी 173 यूनिट्स बिक पाई हैं। अगर मैं डीजल एस्पायर की बात करूं तो नो डाउट अपनी सेगमेंट में इसकी राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी सबसे बेहतरीन है, लेकिन लोगों के लिए या फिर कहूं कि एक गाड़ी का अच्छा बिकने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं। लोगों को एक अच्छी दिखने वाली गाड़ी चाहिए जो चलती भी अच्छी हो, माइलेज भी अच्छा हो, आफ्टर सेल सर्विसेज भी अच्छी हो और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो, और इन्हीं कुछ मामलों में फोर्ड पीछे रह जाता है। फोर्ड ने काफी लंबे समय से एस्पायर में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं किया है। कुछ समय पहले इसका फेसलिफ्ट जरूर लॉन्च किया था, जिसमें कोई बड़ा चेंज नहीं किया गया इंटीरियर में कुछ चेंजेस की वजह। इसके अलावा पहले एस्पायर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिला करता था, जहां तक मुझे याद है शायद इसमें DCT मिला करता था, लेकिन उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और उसके बाद में ना तो टॉर्क कन्वर्टर और ना ही CVT जैसा कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें लॉन्च नहीं किया गया। हाल फिलहाल एस्पायर सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में अवेलेबल है। आजकल जमाना धीरे धीरे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का आ रहा है, जो ऑप्शन इसमें मिलता ही नहीं है। इसके अलावा एस्पायर में वेरिएंट्स के ऑप्शन भी काफी कम मिल पाते हैं। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि फोर्ड वाले खुद ही नहीं चाहते कि उनका ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल बने। 12th पोजीशन पर आई है फॉक्सवैगन की वेंटो, जिसकी 170 यूनिट्स बिकी हैं अप्रैल के महीने में पूरे भारत के अंदर। 11th पोजीशन पर आई है फॉक्सवैगन की टी-रॉक, जिसकी 166 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। टी-रॉक एक इंपोर्टेड एसयूवी है, इसलिए लिमिटेड नंबर्स में मंगाई जाती है। इसका पहला बैच जब आया था तो हाथों हाथ तुरंत ही बिक गया था, तो इसकी इतनी सेल्स होना काफी अच्छी बात है। लेकिन अगर सेल्स के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में
के लिस्ट सेलिंग कार में ही आएगी। इसके बाद 10th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की मराजो, जिसकी 161 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। मेरी नजर में मराजो महिंद्रा की अभी तक की सबसे अच्छी गाड़ियों में से एक है, लेकिन अच्छे लुक्स ना होने की वजह से, अजीबोगरीब सी दिखने की वजह से ये अपनी सेगमेंट में कोई खास कमाल नहीं कर पाई। हालांकि लॉकडाउन के पहले इसका सेल्स फिगर काफी अच्छा था, लेकिन पता नहीं अब क्या हुआ है कि इसकी हर महीने मुश्किल से 150 से 200 यूनिट्स बिक पाती हैं। इसके बाद 9th पोजीशन पर आई है हुंडई की टूसॉन, जिसकी 105 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी का अभी हाल ही में एक फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया था, जिसके बाद इसकी सेल्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। नॉर्मली ये 4th या 5th लीस्ट सेलिंग कार हुआ करती थी, लेकिन अब ये 9th पोजीशन पर है। इसके बाद 8th पोजीशन पर आई है निसान की किक्स, जिसकी अप्रैल के महीने में सिर्फ 58 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। 7th पोजीशन पर आई है हुंडई की एलेंट्रा, जिसकी 53 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। एलेंट्रा की सेगमेंट की बाकी गाड़ियां जैसे कि कोरोला अल्टिस या फिर होंडा सिविक डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं लो सेल्स के चलते, और आप देख सकते हैं कि एलेंट्रा की सेल्स भी कोई खास नहीं है। तो हो सकता है आने वाले समय में एलेंट्रा को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, लेकिन हुंडई वाले हैं वो बहुत समय बाद जाकर अपनी गाड़ियों को डिसकंटिन्यू करते हैं अगर वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती तो। 6th पोजीशन पर आई है डेटसन की गो प्लस, जो कि एक सब कॉम्पैक्ट 7 सीटर एमयूवी है। इसकी सिर्फ 31 यूनिट्स बिक पाई हैं अप्रैल के महीने में पूरे भारत के अंदर। 5th पोजीशन पर आई है डेटसन गो, जो कि एक 5 सीटर हैचबैक है, जिसकी सिर्फ 30 यूनिट्स बिक पाई हैं। मेरे ख्याल में ये दोनों गाड़ियां जब से लॉन्च हुई हैं तब से लगातार लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में ही आ रही हैं। पता नहीं लोग, मतलब जितने भी लोग हैं वो इनको खरीदते ही क्यों हैं। 4th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की अल्टुरस G4, जिसकी 24 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये 24 का सेल्स फिगर आपको काफी कम लग रहा होगा, जो कि वाकई में कम भी है, लेकिन अगर आप अल्टुरस G4 के पुराने महीनों की सेल्स फिगर उठाकर देखेंगे तो आपको ये सेल्स काफी अच्छी नजर आएगी, क्योंकि ये मुश्किल से 4, 5, 8 या 10 यूनिट्स बिक पाती थी, लेकिन पिछले 2 महीनों से इसकी सेल्स पहले के कंपैरिजन में लगभग डबल हो चुकी है। ये गाड़ी अपनी सेगमेंट में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती है, लेकिन फिर भी लोग इसे कंसिडर नहीं करते। 3rd पोजीशन पर आई है महिंद्रा की KUV 100NXT, जिसकी अप्रैल के महीने में सिर्फ 5 यूनिट्स बिक पाई हैं जैसे तैसे। मेरे ख्याल में ये गाड़ी इस लिस्ट में होना सबसे ज्यादा डिजर्व करती है। इसके बाद 2nd पोजीशन पर आई है स्कोडा की करोक, जिसकी सिर्फ 3 यूनिट्स बिक पाई हैं अप्रैल के महीने में। और अब बात कर लेते हैं सबसे कम बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है फोर्ड मोटर्स की फीगो, जिस गाड़ी की सिर्फ 1 सिंगल यूनिट बिक पाई है अप्रैल के महीने में। फीगो जब शुरुआत में लॉन्च हुई थी तो काफी दम से बिकी थी, इसने स्विफ्ट को काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन दिया था, लेकिन धीरे धीरे फोर्ड वालों ने ही अपने प्रोडक्ट को बेकार कर लिया। फोर्ड वाले सालों तक अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट नहीं करते, उनका फेसलिफ्ट लॉन्च करते भी हैं तो उसमें काफी मिनिमल चेंजेस होते हैं, और नेक्स्ट जनरेशन तो बॉस भूल ही जाओ। इस समय फोर्ड के इंडिया में 5 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से सिर्फ एक गाड़ी है इको स्पोर्ट, जो अपनी सेगमेंट में ठीक ठाक बिक जाती है। इसके अलावा बाकी सभी गाड़ियां अपनी सेगमेंट में सबसे बेकार परफॉर्म कर रही हैं। देखा जाए तो एंडेवर ठीक ठाक परफॉर्म कर लेती है अपनी सेगमेंट में, लेकिन बाकी गाड़ियां जैसे कि एस्पायर हो, फ्री स्टाइल हो या फिर फीगो हो, तीनों ही अपनी सेगमेंट में लीस्ट सेलिंग कार हैं। और इन गाड़ियों की कम सेल्स के पीछे मैं कस्टमर्स को दोषी नहीं कहूंगा, बल्कि फोर्ड कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स की खुद यह हालत की है। अगर समय रहते फोर्ड ने खुद को अपडेट नहीं किया इंडिया में या फिर कुछ नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च नहीं किए, तो इसकी भी हालत शेवरोले जैसी हो सकती है। हो सकता है कि इसे भारत को छोड़ना पड़े। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।